दोस्तों, मैं बड़ा असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ हूं कि भोजपुरी सिनेमा की रिकॉर्ड मशीन मिस्टर पवन सिंह साहब और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा का सॉन्ग वाइट वाइट लहंगा आखिरकार ट्रेंडिंग में पहुंचा क्यों नहीं है, जबकि रिलीज होने के साथ साथ ही इस गाने पर लाखों रील बन चुके हैं, अब तक लाखों व्यूज आ चुके हैं। हर किसी की जुबान पर ये गाना बना हुआ है। लोग तो यहाँ तक कहने लग गए हैं कि होली में इससे बेस्ट गाना अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, हालांकि आगे चलकर रिलीज हो सकता है। दो दिन पहले मात्र रिलीज हुआ वाइट वाइट लहंगा सॉन्ग अब तक 63 लाख के आसपास व्यूज बटोर चुका है। शुभ लाभ फिल्म पे इस गाने को रिलीज किया गया है। 1.5 लाख के आसपास अब तक कमेंट भी मिले हैं, जबकि 3.5 लाख के आसपास लाइक भी मिले हैं। शानदार केमिस्ट्री हम देख रहे हैं वाइट वाइट लहंगा सॉन्ग में। आप वीडियो में देखें पवन सिंह और स्मृति सिन्हा, पवन सिंह एंड स्मृति सिन्हा की जोड़ी, शानदार जोड़ी, हॉटनेस का तड़का और एक दूसरे से रोमांस जब भी कर रहे हैं देखते बनता है, मज़ा आ रहा है। दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, जोड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है कि आपको क्या बताएं। आवाज़ नहीं दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट और स्ट्राइक जैसी चीज़ों का हमें सामना जो करना पड़ सकता है, लेकिन आपको बताएं कि स्मृति सिन्हा का ज़बरदस्त अंदाज और माचो स्टाइल ने इस गाने को अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ों तक पहुंचा रखा है। स्मृति सिन्हा खुद को होली रंगने से बचा रही हैं और आखिरकार पवन सिंह जी से जाकर होली लगवा ही लेती हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों और दोनों के बीच एक अच्छा खासा कम्फर्ट जोन आ चुका है। वजह है लंदन ट्रिप, 1.5-2 महीने दोनों साथ रहे, 3 फिल्मों में एक दूसरे के हीरो हीरोइन बने और ज़्यादातर लंदन से स्मृति सिन्हा और पवन सिंह के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियोस और जो पिक्चर्स हमने देखे हैं दोनों मज़ा मस्ती करते हुए दिखाई दिए, जिसका आलम ये हुआ कि पवन सिंह जी ने वाइट वाइट लहंगा सॉन्ग जो है वो रिलीज़ किया। फिर भी अहम सवाल मेरा ये है, टेंशन में हूँ मैं कि आखिर ये गाना ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आया है। कुछ देर पहले मैंने आपको एक न्यूज़ दिखाई जिसमें आज भोजपुरी सिनेमा के कौन से कलाकार ट्रेंडिंग में जाकर अपने गानों को लेकर भोजपुरी समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 गाना ट्रेंडिंग में हुआ है और उनके अलावा दूसरा कोई भी सिंगर इस समय ट्रेंडिंग में नहीं है। तो क्या वजह है कि 63 लाख व्यूज, इतने ज़्यादा रील्स, इतना गाना वायरल होने के बावजूद ट्रेंडिंग में नहीं है? आपको कुछ पता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मुझे पता चलता है तो वादा करता हूँ कि अब तक जल्द